100. रियो ओलंपिक में भारत का खुला खाता, महिला पहलवान साक्षी मलिक ने देश को दिलाया कांस्य पदक। 23 साल की साक्षी मलिक ने 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता पदक, किर्गिस्तान के रेसलर को दी शिकस्त। 0-5 से पिछड़ने के बाद साक्षी ने आखिरी 30 सेकंड में मारी बाजी, 8-5 से मैच अपने नाम किया। इस चीज के पीछे हूँ, मैंने सुबह शाम रेसलिंग ही सोचा है और देश की बहुत ज्यादा उम्मीद थी मेरे लिए और मैंने आज करके दिखाया। तो मैं बार ओलंपिक में मेडल जीतने वाली साक्षी भारत की चौथी महिला। साक्षी से पहले कर्णा मलेश्वरी, मैरी कॉम और साइना नेहवाल देश के लिए जीत चुकी है पदक। साक्षी की कामयाबी पर उनके घर हरियाणा के रोहतक में छाई खुशी, बेटी की जीत पर घरवालों ने मनाया जश्न। देश के लिए पदक जीतने पर साक्षी को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा रक्षाबंधन के पवित्र दिन भारत की बेटी ने कांस्य जीत, देशवासियों का मान बढ़ाया। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक को हरियाणा सरकार देगी 2.5 करोड़ रुपए, सरकारी नौकरी का भी ऐलान। हरियाणा के मंत्री मनीष ग्रोवर ने रोहतक में साक्षी के माता पिता से की मुलाकात, फोन पर सीएम मनोहर लाल खट्टर से कराई बात। रियो में आज भारत की एक और बेटी से पदक की आस, महिला बैडमिंटन में पदक से एक कदम दूर पीवी सिंधु। आज पीवी सिंधु का सेमीफाइनल में जापान की शफलर नोजोमी ओकुहारा से मुकाबला, शाम 5:50 पर होगा मैच। रियो में पहलवान नरसिंह यादव के हिस्सा लेने पर फैसला आज, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की अर्जी पर सुनवाई आज। नरसिंह को डाडा की ओर से मिले क्लीन चिट का वाडा ने किया है विरोध, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को दी है चुनौती। फैसला अपने खिलाफ आने पर नरसिंह की उम्मीदों को लग सकता है झटका, कल होना है नरसिंह यादव का मुकाबला। आज पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट, नंबर 1 का ताज बचाए रखने के लिए भारत का जीतना जरूरी। मैच से पहले टीम इंडिया ने मैदान में जमकर बहाया पसीना, 4 मैचों की सीरीज में 2 टेस्ट जीतकर भारत 2-0 से आगे। रोहित को मिडिल ऑर्डर में स्थापित करने के लिए विराट नंबर 3 पर खेलने को तैयार, शिखर धवन की जगह मुरली विजय को मिल सकता है मौका। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टेस्ट में हराकर पहली बार किया क्लीन स्वीप, 13 विकेट लेने वाले हेरात बने मैन ऑफ द मैच, स्टीव स्मिथ ने मांगी फैंस से माफी। महिला जिमनास्ट दीपा कर्माकर और शूटर जीतू राय को खेल रत्न देने की सिफारिश, देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार की दौड़ से विराट कोहली बाहर। आज तक से खास बातचीत में बोले निर्मल सिंह, पीओके भारत का हिस्सा, उसे आजाद कराने के लिए जो कुछ जरूरी है किया जाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके के लोगों के लिए 24 सीटों का प्रावधान, इसके लिए जो कुछ संभव है करेंगे। सिंह ने कहा केंद्र की नीतियों की वजह से जम्मू कश्मीर के हालात खराब नहीं, मौजूदा हालात के लिए महबूबा ने केंद्र की नीतियों को बताया था जिम्मेदार। कश्मीर पर फिसली कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की जुबान, जम्मू कश्मीर को कहा भारत के कब्जे वाला कश्मीर, रिपोर्टर के टोकने पर कहा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। कश्मीर पर पाकिस्तान को मात देने के लिए मोदी सरकार का मास्टर प्लान, लोकसभा और विधानसभा में पीओके की नुमाइंदगी के लिए संसद में पेश हो सकता है प्रस्ताव। कश्मीर पर बातचीत के पाकिस्तानी न्योते पर भारत का कड़ा जवाब, सिर्फ आतंकवाद पर हुई बात तो इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार है विदेश सचिव। आतंकवाद को सरकारी हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है पाकिस्तान, विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा पाक की इसी आदत की वजह से रुका है संवाद। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के फाइनेंसर पर शिकंजा कसने की तैयारी में एनआईए, कुछ बैंक खातों से मिली बड़ी मात्रा में रुपयों के लेन देन की जानकारी। घाटी के इलाकों में आज 41वें दिन भी जारी है कर्फ्यू, अलगाववादियों ने दिया है यूएन दफ्तर तक मार्च का आह्वान। अफगानिस्तान में गिरफ्तार आईएस के आतंकी ने खोली पाकिस्तान की पोल, पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने की कबूली बात। गिरफ्तार आतंकी ने कबूला पाकिस्तान के क्वेटा के पास कुचलक में दी गई थी ट्रेनिंग, पाकिस्तानी फौज का भी मिला था साथ। घुसपैठ रोकने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा प्लान, आतंकियों के लिए खड़ी की जा रही है इसराइल के रेडार की दीवार। मधुकर गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया घुसपैठ रोकने का प्लान, एनएसए की देखरेख में सीमा को फूल प्रूफ बनाने का काम शुरू। कश्मीर के हालात को लेकर उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक, राष्ट्रपति से मिलकर सौंपेंगे ज्ञापन। दिल्ली के खुरेजी में बेकिंग फैक्ट्री में जोरदार धमाका, ब्लास्ट के बाद लगी आग में झुलसकर 3 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल।
मुंबई के विलेपाले वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बेकाबू तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, हादसे में 5 लोगों की मौत। गोपालगंज में 15 मौत का मामला, आईजी का बयान, मृतकों के पोस्टमार्टम में शराब पीने के नहीं मिले संकेत। करजत में डिप्टी कलेक्टर को थप्पड़ मारने वाले एनसीपी विधायक सुरेश लाठ के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर, विधायक की संभावित गिरफ्तारी को लेकर सुरक्षा सख्त। दिल्ली में बीजेपी के नए केंद्रीय दफ्तर का भी हुआ भूमि पूजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया भूमि पूजन। दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर पर एसीबी का छापा, आयोग के खिलाफ दर्ज कराई गई थी दो शिकायतें। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल ने आयोग पर प्रताड़ित करने का लगाया था आरोप, तो पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह ने अनियमितता पर की थी शिकायत। बाराबंकी में बीजेपी के पोस्टर में नेहरू का चित्र, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर हुई गायब, कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा बीजेपी ने मजबूरी में लगाया नेहरू की तस्वीर। चेन्नई में विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे डीएमके के 80 विधायक, विधानसभा अध्यक्ष ने कल ही सभी विधायकों को एक हफ्ते के लिए किया था निलंबित। राजस्थान के झालावाड़ में यात्रियों से भरी बस पलटी, ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ हादसा, हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से जख्मी। महाराष्ट्र के भंडारा में बीजेपी विधायक रामचंद्र अवसरे ने थाने में सरेआम पुलिस कांस्टेबल को जड़ा थप्पड़, तिरंगा यात्रा के दौरान विधायक के ड्राइवर से हुई थी कहासुनी। यूपी के मिर्जापुर में सड़क पर बने गड्ढों से परेशान लोगों का अनोखा प्रदर्शन, नेशनल हाईवे पर धान की रोपोई पर जताया विरोध। मध्यप्रदेश के बैतूल में एक यात्री बस में कोबरा सांप दिखने से हड़कंप, सफाई के दौरान क्लीनर की पड़ी नजर। मध्यप्रदेश के भिंड में एसपी के तबादले का विरोध, नाराज युवाओं ने शहर में रैली निकालकर जताया विरोध। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में 130 साल पुराने जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर बच्चे, हेडमास्टर के मुताबिक शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने नहीं ली सुध। जयपुर में रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर एक युवक को ब्लैकमेल कर रही लड़की गिरफ्तार, 27 लाख कैश बरामद। ब्लैकमेलिंग से परेशान युवक ने पुलिस में की थी शिकायत, आरोपी युवती शहर के नामी कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा। झारखंड के गिरिडीह में बीजेपी के स्थानीय नेता पर उनकी बहू ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। पीड़ित महिला का आरोप, विरोध करने पर ससुर ने की मारपीट, आरोपी प्रदीप शर्मा कोडरमा से सांसद रविंद्र राय के प्रतिनिधि। यूपी के उन्नाव में दलित नाबालिग लड़की से रेप, आरोपी बगल के गांव का रहने वाला, अब तक गिरफ्तारी नहीं। राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग लड़की को अगवा कर रेप, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। यूपी के अलीगढ़ में आपसी विवाद में एक शख्स ने 10 साल की बच्ची को मारी गोली, बुरी तरह घायल मासूम अस्पताल में भर्ती। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 3 महिलाएं गिरफ्तार। राजस्थान के श्रीगंगानगर में जिम में घुसकर एक युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। 1991 में मुंबई के कल्याण स्टेशन पर हुए बम धमाके में शामिल आतंकी पंजाब के कपूरथला से गिरफ्तार, 300 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया। जयपुर के नाहरगढ़ किले में बने टैंक में दोस्तों के साथ नहाते समय एक युवक की डूबकर मौत, 22 साल का मृतक सुधांशु अलवर का रहने वाला। यूपी के हमीरपुर में एक युवक की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने थाने पर जमकर किया हंगामा। जुआ खेलते पकड़े जाने पर पुलिस को देख कुछ लोगों ने उफंती नदी में लगाई थी छलांग, 5 को पुलिस ने बचाया, 1 की डूबकर मौत। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में बीती रात एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या, हमलावर मौके से फरार। नोएडा की आमजी यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट की खुदकुशी पर बवाल, गुस्साए छात्रों ने कैंपस में जमकर किया प्रदर्शन। बिहार के दानापुर में बीजेपी नेता अशोक जायसवाल मर्डर केस में 2 लोग गिरफ्तार, अशोक जायसवाल की बहू ने अपने पिता और चाचा पर लगाया हत्या का आरोप। बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब से 15 की मौत के बाद जागा प्रशासन, जहरीली शराब के अड्डे पर छापामार, 5 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में जहरीली शराब पीने से 1 शख्स की मौत, 4 लोग अस्पताल में भर्ती। बिहार के सीतामढ़ी में नाबालिग लड़की से गैंगरेप में फरार चल रहे 2 आरोपी दिल्ली के बिंदापुर से गिरफ्तार, बिहार पुलिस को 2 साल से थी तलाश। नीतीश राज में दलितों पर जुल्म, दरभंगा में दलित की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश, विरोध करने पर दबंगों ने जमकर की पिटाई। यूपी के चित्रकूट में लगातार 4 दिन से हो रही बारिश से नदियां उफान पर, कई गांव जलमग्न। मध्यप्रदेश में भारी बारिश से रीवा, सतना और सीधी जिले में बाढ़, रेस्क्यू के लिए ली जा रही है सेना की मदद। उत्तराखंड में नैनीताल के करीब कल रात हो रही
भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, भूस्खलन की वजह से नैनीताल हल्द्वानी हाईवे ठप। यूपी के फरुखाबाद में उफान पर गंगा और रामगंगा नदी करीब दो दर्जन से ज्यादा गांव में घुसा बाढ़ का पानी। कानपुर में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, घरों में पानी घुसने से लोग बेहाल। अजमेर की आना सागर झील में डूबने से तीन युवकों की मौत, झील में नहाते समय हुआ हादसा। राजस्थान के भरतपुर के उद्योगनगर इलाके में भारी बारिश से गिरा मकान, हादसे में छह महीने की बच्ची की मौत। बिहार के हाजीपुर में बाढ़ की वजह से एनएच 19 पर टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं लोग, प्रशासन की तरफ से नहीं हुए कोई इंतजाम। भोजपुर में बाढ़ से करीब 40% आबादी प्रभावित, चार दिनों में 15 लोगों की हो चुकी है मौत। रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघिन मछली की मौत, 19 साल की उम्र पूरी करने वाली थी अकेली बाघिन। आज देश भर में मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार, भाइयों की कलाई पर राखी बांध बहनें अपनी रक्षा का लेती है वचन। अमृतसर में कारी बॉर्डर पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने बीएसएफ जवानों को बांधी राखी, रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में सीमा पर तैनात जवानों को बहनों ने बांधी राखी, स्कूली छात्राओं में भी दिखा उत्साह। जोधपुर में सीमा पर तैनात जवानों ने भी मनाया रक्षाबंधन का त्योहार, स्थानीय महिलाओं ने राखी बांध लंबी उम्र की कामना की। यूपी के संभल के एक स्कूल में बच्चों ने बनाई 33 फीट लंबी राखी, राखी पर प्रधानमंत्री की योजनाओं पर किया विचार। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बंधवाई, बच्चों ने राखी, बच्चों को दिया गिफ्ट। गृहमंत्री राजनाथ सिंह को बच्चों ने बांधी राखी, तो आडवाणी को बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने बांधी राखी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अनोखे अंदाज मनाया रक्षाबंधन, पेड़ को बांधी राखी। लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव को भी बच्चों ने बांधी राखी, रक्षाबंधन में प्रदेशवासियों को दी बधाई। उज्जैन में भस्म आरती के बाद महाकाल की बांधी गई देश की पहली राखी, 1.25 लाख लड्डुओं को लगाया गया भोग। अपनी आने वाली फिल्म पिंक पर बोले बिग बी, कहा आज की परिस्थिति पर आधारित है फिल्म। दबंत्री में सोनाक्षी के होने पर सस्पेंस बरकरार, इस मामले पर अब्बास खान खुलकर बोलने से बचे। डायरेक्टर दिनेश विजान की डेब्यू फिल्म राब्ता की शूटिंग खत्म, फिल्म में कृति सेनन और सुशांत सिंह राजपूत लीड रोल में। आमिर खान ने सरोगेसी पर फिल्म बनाने की जताई इच्छा, साथ ही इस तरह की फिल्मों को बढ़ावा देने की कही बात। अनुपम खेर छोटे पर्दे पर भारतवर्ष नाम के शो के साथ आएंगे, जिसमें भारत के निर्माण और विकास की कहानी होगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग से रिहायशी इलाकों को खतरा, 80,000 लोग घर बार छोड़ सुरक्षित ठिकानों पर गए। अमेरिका के लुइसियाना प्रांत में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, अब तक 11 लोगों की हो चुकी है मौत। कोलंबिया में हुआ चमत्कार, इमारत की 11वीं मंजिल से गिरने के बाद एक शख्स को आई मामूली चोटें। दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट लैंडिंग में भरी पहली उड़ान, गुब्बारे जैसे दिखने वाले एयरक्राफ्ट का नाम एलैंडर 10। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हिलरी और ट्रंप के बीच जुबानी जंग जारी, प्रचार करने ओहायो पहुंची हिलरी ने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कई लोगों से काम करवाकर मजदूरी तक नहीं दी।